Study IQ IS, अब तैयारी हुई, नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आई एम कि आप में से जो भी लोग दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में रहते होंगे या फिर आप कभी बाहर से भी आए होंगे तो आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा दिल्ली के ट्रैफिक को और स्पेशली यहां पर अगर आप सपोज नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं या फिर गुड़गांव से दिल्ली या दिल्ली से गुड़गांव आ रहे हैं तो जिस तरह का ट्रैफिक होता है स्पेशली पीकार्स में जो ऑफिस के टाइमिंग्स होते हैं आप गाड़ी में बैठे रह जाते हो लिटरली और मुझे याद है कि 10-15 साल पहले शायद ये सिचुएशन नहीं हुआ करती थी और पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से कंजेशन बढ़ा है ट्रैफिक बढ़ा है परेशानियाँ बढ़ गई हैं और इसीलिए बताया जा रहा है यहाँ पर सरकार जो है कंजेशन टैक्स लाने की तैयारी कर रही है खबर आप देख सकते हो दिल्ली गवर्नमेंट मूलिंग कंजेशन टैक्स ऑन व्हीकल्स एंट्रिंग सिटी तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली exactly है क्या यहाँ पर क्या करने की तैयारी है काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं आप में से जो भी लोग 2025 हज़ार कोई भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं ये कोड अंकित लाइव ताकि आप इस बैच को लेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और सभी बैचेस के जो लिंक हैं वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं और इसके अलावा अगर आप एम सी करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए वहां पर स्टोरीज में जितने भी एम हैं उसको भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि कि exactly हो क्या रहा है। तो पर ये जा रहा है है तो पर पर बताया जा एक रिपोर्ट के आधार पर कि सरकार कोशिश कर रही दिवाली का समय आ गया है। और जो एयर पोल्यूशन है उसको लेकर जो चर्चा है, वो स्टार्ट जाएगी, आप सब है तो यहां पर निजात पाने के लिए दिल्ली सरकार है ध्यान रखेगा फाइनली नहीं हुआ ये अभी कंसिडरेशन स्टेज में है यहाँ पर कंजेशन टैक्स लगाना ऑन व्हीकल्स एंट्रिंग सिटी मतलब पीक आवर्स में अगर आप देखोगे ना जैसे कि सुबह करीब नौ बजे के आसपास शाम को छः सात बजे के बाद अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग जाता है तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप दिल्ली में देखिए तो बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हैं अलग अलग राज्यों से तो वहां पर जो एंट्री पॉइंट है अगर सरकार देखे तो कुछ टैक्स लगा सकती है और इसी को कंजेशन टैक्स बोला जा रहा है तो यहाँ पर टैक्स लगाने से क्या होगा कि बहुत से लोग जो आना चाहते होंगे वो नहीं आएंगे तो मे हो सकता है शायद वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें तो ये मेन मकसद है और आप देख सकते हैं यहां पर बताया जा रहा है कि सुबह आठ बजे से लेकर दस बजे के बीच में और शाम को साढ़े पाँच बजे से लेकर साढ़े सात बजे के बीच में दिल्ली में करीब दो तेरह मेजर बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर कुछ टैक्स लगाने की कोशिश है जो गाड़ियां वगैरह आती हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए जिसको कंजेशन टैक्स बोला जा रहा है अच्छा ध्यान रखिएगा ये प्रपोजल अभी एडवांस स्टेज में है और इसमें कई सारे लीगल ऑब्स्टिकल्स भी देख सकते हैं मतलब बहुत ज़्यादा लीगल परेशानी भी हो सकती है और अभी तक तय नहीं किया गया है कि जैक्टली exactly कितना टैक्स लगाया जाएगा मतलब हो सकता है पचास रुपया हो सकता है पांच सौ रुपया और डिपेंड करता है अगेन तो जितना ज्यादा टैक्स होगा उतना ज़्यादा लोग डिस्करेज होंगे अपनी गाड़ी लाने के लिए और यहाँ पर आपको अगर ये इम्प्लीमेंट करना है तो देखिए या तो आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जाना होगा कानून लाना होगा या फिर कोई नया जो प्रोविजन है उसको ऐड करना होगा एग्जिस्टिंग कानून के अंदर क्योंकि पहले भी इस तरह की चीज़ें की प्रयास किया गया था लेकिन लीगल ऑब्स्टिकल की वजह से ये सफल नहीं हो पाया था खैर यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि मान लो सरकार के पास जो पैसा आएगा जो कंजेशन टैक्स के माध्यम से जो भी पैसा आएगा वो पैसे का सरकार क्या करेगी तो सरकार का देखिए यहाँ पर ये कहना है कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे रोड वगैरह कहीं ख़राब है तो उसको और बेटर करना साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है अब जाहिर सी बात है दिल्ली एनसीआर में आपको मेट्रो की अच्छी खासी सुविधा मिलती है लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि आ, पीक टाइमिंग में जो मेट्रो की भी हालत है ना बहुत बदतर हो गई है बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गया है तो इसी की वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसको कैसे फर्दर इम्प्रूव किया जा सके यहाँ पर जो साइकिलिस्ट हैं पेडेस्ट्रियन हैं उनके लिए और कैसे बेहतर सुविधाएं लाई जा सकें तो मे बी वो शायद पैसा जो है उसमें इस्तेमाल किया जाएगा फिर इसके अलावा यहाँ पर जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ऑप्शन है उसको भी लाने की कोशिश है यहाँ पर ठीक है फिर अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा ये किस कैसे किया जाएगा अब जैसे आपको याद होगा कुछ साल पहले जब जब फास्टैग नहीं इंप्लीमेंट हुआ था तो हर एक व्यक्ति क्या करता था अपने जेब से वॉलेट से पैसा निकालता था और वो पे करता था इसमें बड़ा समय लग जाता था तो जाहिर सी बात है वैसा उस तरह से कलेक्शन ना हो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फास्टैग के माध्यम से पैसा कलेक्ट करने की कोशिश की जाएगी ताकि जो गाड़ियों का फ्लो है वो बना रहे लेकिन मैं मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा डाउट है क्योंकि फास्ट टैग के, के केस में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी डिले देखने को मिलता है हाँ अगर सेटेलाइट के माध्यम से पैसा कट जाए मतलब गाड़ी को रुकने की जरूरत ना पड़े गाड़ी वहाँ से आराम से जैसे ही वो क्रॉस करे वो पैसा अकाउंट से कट जाए तब तो यहां पर ठीक हो सकता है क्योंकि अगर मान लीजिए फास्टैग लग गया तो अगेन गाड़ी को क्योंकि अगर आप देखेंगे दिल्ली नोएडा जो डीएनडी है आपका वहां पर पहले पैसे कटते थे अब नहीं कटता हटा दिया गया सेम वही चीज़ पहले दिल्ली गुड़गांव के बीच में भी पैसा कटता था वो भी हटा दिया गया तो अब वापस से अगर पैसा लगाने की कोशिश की जाएगी तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा जाम लग सकता है तो कहीं ना कहीं ये सोचना होगा जो पूरा पर्पज़ है वो भी डिफीट हो सकता है फिर इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो टू व्हीलर्स हैं नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं शायद उनको एग्जैम्ट कर दिया जाएगा कंजेशन टैक्स है खैर क्वेश्चन यह है कि आखिरकार इसकी आवश्यकता क्या है देखो बताया जा रहा है कि स्पेशली दिल्ली अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होता जा रहा है इसके आसपास आप देखिए आपको पता ही होगा हरियाणा हो गया इधर उत्तर प्रदेश हो गया इससे घिरा हुआ है और हर तरफ से यहाँ पर जो गाड़ियों की एंट्री है वो होती रहती है स्पेशली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो नोएडा है आपका वहाँ से एंट्री होती है गाज़ियाबाद हो गया नीचे की तरफ जो हरियाणा में गुड़गांव है वहाँ से फ़रीदाबाद से बहुत सारे एंट्री होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर चोक पॉइंट बन गया है इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसे ज हैं जैसे डीएनडी हो गया न्यू अशोक नगर और ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हो ये बेसिकली गुड़गांव से जब आप दिल्ली जा रहे होते हैं और आपको पता ही होगा कि बहुत चौड़ी रोड आती है जो बॉर्डर है ना दिल्ली और गुड़गांव का एन एच तो है और अचानक से क्या होता है वो चौड़ी रोड जो है नैरो हो जाती है और यहाँ पर जो जाम लगता है ना लिटरली मतलब एक बार आप फंस गए ना मतलब कितना समय लगेगा आपको अंदाजा भी नहीं है और देख के ही घबराहट होने लगती है लिटरली तो इस तरह का आपको पूरा सीनारियो देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं बोला यह जा रहा है कि यह जो एंट्री है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है अब इससे होगा क्या कि एक तो यहां पर जो इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है कम होगा तो इसकी वजह से गाड़ियां कम देर तक खड़ी रहेंगी एक ही जगह पोल्यूशन कम होगा एयर क्वालिटी बेटर होगा साथ ही साथ यहां पर लोगों को एनकरेज किया जाएगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए तो यह कुछ बेनिफिट्स यहां पर बताया जा रहा है कि अगर इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है खैर मैं आपको बता दूं कि यह पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है पहले भी अगर आप देखोगे तो इस तरह के कुछ प्रपोज़ल लाने की कोशिश की गई ऑल ये अभी तक सफल नहीं हो पाया जैसे दो में भी यहाँ पर सरकार ने कहा था कि कुछ एक लिवाई एक टैक्स कंजेशन टैक्स जैसा जो है वो लाने की कोशिश है जहाँ पर हैवी ट्रैफिक वाले एरियाज़ हैं ताकि व्हीकल्स को डिस्करेज किया जाए कि वो सड़क पर ना लाएं जैसे कि 21 ऐसे स्ट्रेच आइडेंटिफाई किए गए थे दिल्ली में औरबिंदो चौक अंधेरी मोड़ नेहरू प्लेस फ्लाईओवर से लेकर मोदी मिल फ्लाईओवर तो कुछ कुछ एरियाज़ में ये भी अब हो सकता है जैसे कि मान लो एक तो अभी प्रपोजल ये बताया जा रहा है कि जो दिल्ली में गाड़ियाँ एंटर कर रही हैं उनके ऊपर ठीक है जो ऑलरेडी दिल्ली में गाड़ी हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं जो एंट्री कर रही हैं लेकिन पहले यह प्रपोजल लाया गया था कि दिल्ली में कुछ कुछ स्ट्रेच के ऊपर यहाँ पर अगर आपकी गाड़ी जाएगी तो आपको टैक्स पे करना होगा ठीक है तो लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हो पाया फिर इसके पहले भी अगर आप देखोगे दिल्ली की जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं शीला दीक्षित जी 2009 में उन्होंने भी इसको लेकर कुछ प्रपोजल दिया था एडिशनल टैक्स को लेकर कि ट्रैफिक कंजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है और हमें इसको इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है सुचित दो में और आज तो हम दो की बात कर रहे हैं मतलब कितना ज़्यादा कई गुना ट्रैफिक यहां पर बढ़ गया होगा लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में चला गया खैर इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं ये समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं है बेंगलुरु के लोग तो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे और ये जो वीडियो देख रहे होंगे ना बेंगलुरु के लोग और जो आप में से गए होंगे वो तो हंस रहे होंगे क्योंकि बेंगलुरु में जो ट्रैफिक की समस्या है ना मुझे नहीं लगता कि आपको पूरे देश में कहीं ऐसा देखने को मिलता होगा और अभी आपको मैं बता दूं एक रिपोर्ट के आधार पर जो एक टाइटल है जिसका नाम है रिपोर्ट का कर्नाटकाज डेकेड रोड मैप टू वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कैसे वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकती है तो यहां पर बोला गया कि जो सबसे पहला काम करना चाहिए कि रश आवर में जो ट्रैफिक है वो ना हो ये ट्रैफिक लगने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो यहाँ पर भी अगेन कोशिश ये था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव किया जाए पोल्यूशन कम किया जाए तो यहाँ पर भी टैक्स लगाया जाए तो देखते हैं आगे इसको लेकर क्या हो पाता है नहीं बट आई होप कि जो कंजेशन टैक्स वाला पूरा मामला है वो आपको समझ में आया होगा और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए ये कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है और इसका राइट right आंसर आप सबको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं अगर आपको पीडीएफ ई तो टेलीग्राम पर आइए अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे और जैसा मैंने आपको बताया अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कोई भी बैच चाहते हैं यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम टिल देन थैंक यू वेरी मच सी यू आई स्टडी आई एस अब तैयारी हुई affordable.